हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट वीडियोज़ में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। दोस्तों, आज है 21 दिसंबर 2020 और इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास हुआ था अगर इस बारे में बात की जाए तो आज के दिन सन 1891 में देहान राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म हुआ था। ये छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता रहे। 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी जो 37 से भी ज़्यादा दिनों तक चली और मिल अधिकारियों को मजदूरों की सभी मांगें मंजूर करनी पड़ी थी। ये हड़ताल ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में हुई थी। ठाकुर प्यारेलाल 1920 में पहली बार महात्मा गांधी के संपर्क में आए थे। असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। गिरफ्तार होकर जेल भी गए। साल 1945 में छत्तीसगढ़ के बुनकरों को संगठित करने के लिए इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना भी हुई थी। प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को शोषण और अत्याचार से मुक्त कराने की दिशा में ये हमेशा सक्रिय रहे। और इसके अलावा दोस्तों, आज ही के दिन सन 1550 को राजस्थान के आमेर में मान सिंह का भी जन्म हुआ था। ये राजा भगवान दास के पुत्र थे और अपनी बुद्धिमानी, साहस, संबंध और उच्च वंश के कारण अकबर के राज्य के स्तंभों और सरदारों में अग्रणी ये रहे। इनके कामों और व्यवहार से बादशाह इन्हें कभी फरजत और कभी मिर्जा राजा कहकर पुकारते थे। बात की जाए दोस्तों आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की, तो आज के दिन सन 1920 को पंडित गेंदालाल दीक्षित का निधन हुआ था। ये भारत के जाने माने क्रांतिकारी रहे और इनका जन्म हुआ था 30 नवंबर 1888 को बाह आगरा उत्तर प्रदेश में। ये बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे जन आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए थे। इन्होंने क्रांति के लिए शिवाजी समिति की स्थापना की। इसके बाद शिक्षित लोगों का एक संगठन बनाया और उन्हें हथियार चलाने की शिक्षा प्रदान की। गेंदालाल दीक्षित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम योद्धा और महान क्रांतिकारी और उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त रहे। इन्होंने आम आदमी की बात तो दूर, डाकुओं तक को संगठित करके ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। और आज ही के दिन सन 1938 को महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी निधन हुआ था। ये हिंदी गद्य साहित्य के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग विधायक रहे और इनका जन्म हुआ था 1864 को दौलतपुर गांव रायबरेली उत्तर प्रदेश में। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के बतौर हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए भी काम किया। और अगर बात की जाए इनकी यादगार रचनाओं की तो उसमें देवी स्तुति शतक, कन्या कुब्जावली व्रतम, काव्य मंजूषा, सुमन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, साहित्यालाभ, महिला मोद और इसके अलावा भी कई नाम शामिल रहे। तो ये था आज के दिन का इतिहास और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।